हम सभी कहीं ना कहीं पर केला खाने के बाद उसके छिलके को बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर डस्टबिन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को सोचते हैं कि हमने बहुत सारी सफाई का काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेद पढ़ लें तो हमें ये समझ आएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हाँ दोस्तों, जितना पोटेशियम होता है हमारे केले के अंदर, उससे 3 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है हमारे केले के छिलके के अंदर। इट मीन्स कि अगर हम उसको फेंक रहे हैं तो हम कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो पोटेशियम होता है, यही एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा ग्लो लाने का काम करता है। सो बहुत जरूरी है कि केले के छिलके को फेंकने की बजाय हम उसे इस्तेमाल करें एक फेस पैक बनाने के लिए और एक फेस स्क्रब बनाने के लिए, जिससे कि हमारी स्किन की रंगत को भी हम निखार पाएंगे और साथ के साथ हम बना पाएंगे खूबसूरत अपनी स्किन को, और साथ के साथ बहुत ज्यादा चमक आ जाती है हमारे बालों के अंदर भी। तो ये क्या तरीका है केले के छिलके को इस्तेमाल करने का, यही है आज के इस वीडियो का टॉपिक। तो अगर आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग हो सकता है तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ के साथ अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक से शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि आपका प्यार इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, केले के छिलके के अंदर पोटेशियम के अलावा मैंगनीज और मैग्नीशियम जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन खूबसूरत बनती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसे स्क्रब कैसे बनाएंगे। तो हमें सिंपल सी चीज है, केले के छिलके को हमें लेना है। एक केले का छिलका एक चेहरे के लिए काफी होता है, तो एक केले का हम छिलका लेंगे, उसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है वो ओट्स मिला देंगे, जिसको हम बहुत अच्छे से नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। तो 2 टेबल स्पून मतलब खाना खाने वाले चम्मच, और इसके अंदर लगभग 1 टेबल स्पून जितना हम कच्चा दूध मिला देंगे, और इसको आप अपने ग्राइंडर में चला लीजिए। जब आप देखेंगे कि ग्राइंडर में 2-3 मिनट आपने इसे चला लिया है, तो ये एक दरदरा पेस्ट जैसा बन जाएगा और ये एक पेस्ट आपके स्क्रब का काम करेगा, क्योंकि जो आपने इसके अंदर ओट्स डाले हैं वो एक बहुत अच्छे माइक्रो स्किन पॉलिशिंग ग्रैन्यूल्स का काम करते हैं, और जो पोटेशियम जो केले के छिलके के अंदर था वो आपकी स्किन के नए सेल्स को वापस से ताकत देता है बीमारियों से लड़ने की। आपके चेहरे पर जो टैनिंग था, सनबर्न था, जो अनइवन स्किन था, वो सब खत्म हो जाता है और आपके चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाता है। अब आपने स्क्रब कर लिया, अब बारी आती है पैक की। अब पैक कैसे लगाया जाए, तो आपको करना सिंपल सा है कि आपको इस केले के छिलके के साथ में अब शहद मिला देना है। तो एक केले का छिलका आपको लेना है, उसके अंदर मिला देना है 1 चम्मच शहद। अब इन दोनों को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, तो आप देखेंगे कि एक सेमी कंसिस्टेंसी का एक पैक तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स भी नहीं होंगे। इस पैक को चेहरे पर लगाइए, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़िए, और आप देखेंगे कि आपके 15 से 20 मिनट बाद चेहरे को वॉश करने पर स्किन में इतनी ब्राइटनेस आ जाती है जितनी शायद आपने कभी चेक ना की हो अपने चेहरे पर। सो दोस्तों, है ना कमाल की बात। अब यहां पर बात आती है बालों के लिए, बालों के लिए क्या किया जाए। सो बालों के लिए भी बहुत सिंपल तरीका है। बालों के लिए क्या करेंगे, बालों के लिए 3 केले के छिलके लेंगे, क्योंकि बाल बड़े होते हैं ना, और जितने ज्यादा बड़े होंगे उतने ज्यादा आप केले के छिलकों को बढ़ाते जाएंगे। इसके अंदर आप मिलाओगे दही, तो कम से कम 5 से 6 टेबल स्पून आपको दही मिलाना है। अब इन दोनों को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, एक बहुत अच्छा आपका कंडीशनर तैयार हो गया। इस कंडीशनर को बालों की जड़ों में लगाइए, बालों के एंड्स पर लगाइए, और अच्छे से लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हॉट टॉवल स्टीम दे दीजिए, मतलब कि एक मोटे टॉवल को पानी में गर्म करके उसको निचोड़िए और उसके उसको सर पे लपेट लीजिए। अब जब स्टीम मिल जाएगी, स्टीम मिलने के बाद आप इसको प्लेन पानी से वॉश कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके बालों की चमक जो धीरे धीरे गायब हो गई थी वो वापस आने लगी है। आप सोचिए, है ना बात कि आम के आम गुठलियों के दाम वाली, मतलब कि केला तो जो हमें पौष्टिकता देता है वो तो है ही, लेकिन साथ के साथ ये केले के छिलके के भी पैसे हमने वसूल कर लिए। सो दोस्तों, यही खूबसूरती है आयुर्वेद की, यही खूबसूरती है नेचुरल चीजों की, और इसी तरह के वीडियोस हम अपने इस चैनल पर लेके आते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, ताकि आपको भी आने वाले कोई वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए और सारे के सारे वीडियोज आप बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकते हैं। So, आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूं, आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।
हैं।